हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 सोशल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हाउ डज इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम वर्क, जो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करती है, और हमारे यहाँ जो नए लॉज बनते हैं इंडिया के अंदर वो कैसे बनते हैं, और अगर उन लॉज को लेके कोई डिस्प्यूट, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा होता है तो वो सॉल्व कैसे होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी होगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किस तरह की गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब तुम पूछोगे फेडरल फॉर्म क्या होती है। फेडरल फॉर्म वो फॉर्म होती है जहां पे गवर्नमेंट मिक्स फॉर्म में होती है, यानी कि जो पावर है वो केवल एक इंसान के पास, यानी कि एक अथॉरिटी के पास नहीं होती। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, जो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे अलग है, और लोकल लेवल पे अलग है। दिस इज कॉल्ड फेडरल, मतलब मिक्स। ठीक है, आई होप कि एक एक चीज आपको क्लियर हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी वर्किंग पढ़ेंगे, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करती है। तो अभी हमने बात की कि जो फेडरल गवर्नमेंट है जो वो है वो मिक्सड है, तो किस तरह से बटी हुई है पावर। पावर बटी हुई है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल की फॉर्म में। अब जो लेजिस्लेटिव है इसका काम क्या है, लेजिस्लेटिव का काम है लॉज को फॉर्म करना, नए कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उन लॉज को कि भाई जो लॉज बने हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मतलब वो पूरा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और जुडिशियल का काम क्या है कि अगर वो जो लॉज बने हैं क्या कहीं उनमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो उन्हें फॉलो ना कर रहा हो, तो कार्रवाई करना है ना, कोर्ट वगैरह में जो कार्रवाई होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लेजिस्लेटिव की, ठीक है, जो कि है हमारा पार्लियामेंट, जो कि बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से ऐसा दिखता है। लेकिन कभी कभी ना हमारे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ऐसे ऐसे सीन भी देखने को मिल जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और कभी कभी तो भाई साहब ऐसा भी देखने को मिल जाता है, लड़का आंख मारे। चलिए बात कर लेते हैं चिल्ड्रन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। जो पार्लियामेंट इंडिया है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राज्यसभा और लोकसभा। अब जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। और लोकसभा के अंदर कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, 552। इनका जो टेन्योर होता है यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो है 6 साल का, लेकिन लोकसभा के जो मेंबर्स हैं इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में और लोकसभा में डिवाइडेड है। इसमें राज्यसभा में होते हैं 250 मेंबर, लोकसभा में होते हैं 552। इनका टेन्योर जो है राज्यसभा का इनका 6 साल का होता है, और इनका जो होता है वो होता है 5 साल का। अब बच्चा कहेगा सर मुझे ना डिफरेंस बताओ राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है। देखो यार, अभी मैंने तुम्हें दिखाया था ऊपर वाली स्लाइड में कि जो लोकसभा है इसमें मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोकसभा के में जो लोग चुने जाते हैं उनके लिए डायरेक्ट हम लोग इलेक्शन करते हैं, हम लोग मतलब सॉरी इलेक्शन करते हैं, हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस वाले पॉइंट को। लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स गए 552, उसके लिए आम आदमी कॉमन पर्सन वोट करता है, तब जाके लोकसभा के मेंबर मेजोरिटी से पावर में आते हैं। बहुत ध्यान से समझो, देखो मैं फिर से जा रहा हूं ऊपर वाली स्लाइड में। तो यानी कि लोकसभा को चुनके कौन लाता है, हम लोग लाते हैं, कॉमन मैन, ठीक है, हम लोग वोट करते हैं। तो इसका मतलब सुप्रीम पावर कहां है, लोकसभा में, क्योंकि हम लोगों के पास डायरेक्ट अधिकार है। और राज्यसभा का इसका क्या होता है वो भी देख लो। अब देखो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जो कॉमन पर्सन है यानी कि ये आप लोगों, मैं, आप, आपके मम्मी पापा, ये सब अड़ोसी पड़ोसी, इन लोगों ने वोट किया तो क्या बना भैया, लोकसभा। और इसमें कितने मैक्सिमम मेंबर्स आए, 552। अब जो लोकसभा के ही जो 552 मेंबर्स हैं, ये वाले मेंबर्स चूज करेंगे राज्यसभा के मेंबर्स को। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, यानी कि जनता का और राज्यसभा का मेंबर्स का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टली लेना देना कहां है, लोकसभा से, इसलिए लोकसभा को ज्यादा पावरफुल माना जाता है। बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन आता है और हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अब
जो राज्यसभा है और लोकसभा है, अभी मैंने बताया लोकसभा को लोग चुन के लाए हैं, ठीक है। अब लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस। देखो दोबारा दिखा रहा हूं, ठीक है, ये लोअर हाउस लोकसभा और राज्यसभा है अपर हाउस। और अगर आपको ट्रिक दे रहा हूं, इसमें लोक में एल ओ आ रहा है, लोअर में एल ओ आ रहा है, ठीक है, लोअर लोक, लोअर लोक समझ लेना, ठीक है, लोअर हाउस अपर हाउस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके पीछे एक और फिर से समझ लो, यहां पे आम आदमी था, आम आदमी लाया किसको, लोकसभा को, लोकसभा के मेंबर्स, और लोकसभा के मेंबर्स लाए राज्यसभा को, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका लोअर हाउस और ये है आपका अपर हाउस, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके चल रहा हूं। अब पढ़ते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका रोल क्या है। चलिए सबसे पहले अभी देखो, मैंने अपर हाउस की जब बात की थी तो मैंने राज्यसभा बताया था और उसमें मैक्सिमम 250 मेंबर्स बताए थे। लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई थी, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको चुन के कौन लाते हैं, लोकसभा के मेंबर्स, और लोकसभा के मेंबर्स को चुन के कौन लाते हैं, कॉमन पीपल। तो ये जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, क्या ये 250 के 250 लोगों को चूज करते हैं, नहीं, ये चूज करते हैं केवल 238 लोगों को। यहाँ पे देखो मैंने एरो का निशान लगा के आपको दिखाया भी है। अब बचे हुए 12 लोगों का जो सिलेक्शन है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है, यानी कि ये प्रेसिडेंट की पावर है। तो प्रेसिडेंट किन लोगों को लाते हैं, ऐसे लोग जो आर्ट्स में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल साइंस में, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है। आपने देखा होगा काफी सारे लोग, खिलाड़ी अचानक से पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, आप सोचते होगे यार इन्हें अचानक से इतना बड़ा पद कैसे मिल गया, तो वो सब इस तरह से मिल जाता है। अब आता है कि राज्यसभा के अंदर, सर हमें ये तो पता चल गया कि 250 मेंबर हैं, हमें ये भी पता चल गया कि 238 जो है वो लोकसभा के मेंबर्स चुन के लाते हैं और 12 प्रेसिडेंट। अब सर इनका चुनाव कैसे होता है, मान के चलो मैं 250 की जगह यहाँ पे 300 मान रहा हूँ, 300 टोटल लोग हैं। इनका क्या होता है, इनका जो कार्यकाल है कितना बताया था मैंने, 6 साल का बताया था आपको। तो मान के चलो ये 300 लोग हैं, मैं 250 को 300 इसलिए मान रहा हूं ताकि आपको अच्छे से, हर 2 साल बाद क्या होता है, 1/3 लोग रिटायर होते हैं। मैं 100 को इस तरह से देखो, 100 प्लस 100 और प्लस 100, तो अब क्या हुआ, 2 साल ये वाले 100 लोग रिटायर हो गए, मतलब चले गए, और यहां पे नए 100 लोग जुड़ गए, क्लियर हो रहा है। फिर 2 साल बाद ये वाले लोग चले जाएंगे, फिर यहां पे नए 100 लोग आ जाएंगे। तो हर 2 साल बाद मतलब जो 1/3 लोग हैं राज्यसभा से वो निकलते रहते हैं और 100 नए लोग जुड़ते रहते हैं। यहां पे मैंने 100 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आंकड़ा 300 लिया था, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक बताऊं तो 250 का 1/3। आई होप कि एक एक चीज आपको क्लियर हो रही है। अब बात करते हैं बिल की। अब आप यहां पे बिल का मतलब यार चाय पानी के बिल की बात नहीं हो रही, समोसे के बिल की बात नहीं हो रही, कोई भी जन नया कानून, ठीक है, कोई भी बात जब आती है तो वो कैसे, तो सबसे पहले भैया लोकसभा के अंदर, अब याद करो मैंने अभी बताया था लोकसभा लोअर हाउस तो भले से कह रहे हैं लेकिन पावरफुल है लोकसभा, क्योंकि डायरेक्ट आप और हम लोग लाए हैं, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर भैया वो डिस्कस हुआ, लोकसभा के बाद फिर वो अपर हाउस में गया, ठीक है, राज्यसभा में, लोकसभा से अगर मतलब वो बिल पास हो गया, क्योंकि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, किसी मंत्री को लगता है कि मेरे स्टेट में, मेरे यहाँ पे इस तरह से नहीं, इस तरह से काम होना चाहिए, अगर वो यहां से पास हो जाता है तो वो राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा से पास होगा फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंटली उस पर क्या करेंगे, साइन कर देंगे और फाइनली वो कानून बन जाएगा। अब आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूं, मान के चलो लोकसभा से तो कोई बिल पास हो गया लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स ने कहा नहीं यार ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अब क्या होगा, फिर क्या होगा, लोकसभा की और राज्यसभा की एक कंबाइंड मीटिंग होगी, ठीक है। अब कंबाइंड मीटिंग तो होगी, अब हमें पता है लोकसभा के जो मेंबर हैं वो हैं 552 और ये हैं 250, तो यार ये तो मेजोरिटी में ऑलरेडी ज्यादा ही है। तो अगर कोई बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा भले से उसका सपोर्ट करे या ना करे, फिर भी वो बिल पास होगा ही होगा। तो याद रखना जो पावरफुल है वो लोकसभा है। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात करेंगे, तो अभी जब मैं बात कर रहा था लेजिस्लेटिव की, नॉट लेजिस्लेटिव का काम केवल नए लॉज को बनाना नहीं है बल्कि चेंज करना भी है कुछ पुराने लॉज को। भाई आपने देखा होगा हमारे जो लॉज हैं उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन चेंजेस तो हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट चेंज हो सकते हैं।
अब बच्चा कहेगा सर फंडामेंटल राइट्स क्या है, भाई जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये सब आपने डेमोक्रेसी में पढ़ा होगा, जो इंडियन सिटीजन के राइट्स हैं वो नहीं चेंज हो सकते। तो लेजिस्लेटिव के बाद आता है दूसरा एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का मतलब मैंने क्या बताया था, जो ये ध्यान रखे कि लॉज एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है जो लॉज बने, भाई लॉ बन गया लेजिस्लेटिव में, अब ये देखना है कि ये जो लॉ बने हैं ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसे एग्जीक्यूट करवाना इनका काम है। इसके भी दो पार्ट है, पोटेंशियल सॉरी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब यहां पे देखो वर्ड में ही छुपा है पॉलिटिकल, यानी कि जो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिक्स से आए हैं, जैसे पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो हमारे सिविल सर्विसेज वाले, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईपीएस। अब ये जो पीएम है और कैबिनेट मेंबर्स हैं, इनके लिए मैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया हो सकता है ये 5 साल के लिए आए हों, या थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आए हों, फिर से सरकार बदल जाएगी, फिर से ये बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बदल जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं बदल भी सकते हैं अगर इनकी मेजोरिटी नहीं रही तो। लेकिन भाई जो आदमी आईएएस बन गया वो तो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया वो तो आईपीएस बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था लोकसभा के जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो 552 हैं। अब ये जो लोकसभा के 552 मेंबर्स हैं, इसमें से भी 70 लोग जो लोग हैं उनको चूज किया जाता है, जो मेजोरिटी के साथ, मतलब थोड़े से कह लो कि अच्छे किस्म के लोग हैं, जो जिन्हें ज्यादा मेजोरिटी है, 552 में से 70 लोगों को सिलेक्ट करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक टीम बनाई जाती है। अब ये जो 70 लोग चूज हुए, इसमें से भी फिर क्या होते हैं, इसमें से भी 20 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। अब तुम पूछोगे सर 552 में से 70 कैसे आए और 70 में से 20 कैसे आए, मेरे भाई मेजोरिटी से आए। किससे आए, मेजोरिटी से आए। भाई क्लास 9 के अंदर मान के चलो 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे में से एक बच्चा राहुल नाम का मॉनिटर बना, तो राहुल नाम का मॉनिटर कैसे बना, क्योंकि क्लास के अंदर मैडम ने वोटिंग करवाई और वोटिंग करके सबसे ज्यादा वोट राहुल को मिल गए, तो ऐसे ही वोटिंग के बेस पर। लेकिन ये इंटरनल वोटिंग है, इसमें आप और हम वोट नहीं कर रहे, इंटरनल वोटिंग है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स आए और बचे जो 50 हैं उन्हें मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, यानी जिन्हें राज्य मंत्री बोला जाता। बहुत क्लियर समझा रहा हूं, पूरा दिमाग यहां पे रखना। लोकसभा के 552 मेंबर, 552 मेंबर में से 70 को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन 70 में से जो 20 हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, बच्चा पूछेगा, भाई जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए आपके, है ना, डिफेंस मिनिस्टर हो गए। ये जो 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनका जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। देखो ध्यान रखना, अब मैंने जब ये वाली बात बोली कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो तुम्हें लगेगा भाई साहब प्रेसिडेंट की मन मर्जी चलेगी, प्रेसिडेंट का जिसका मन करेगा उसे प्राइम मिनिस्टर बना देगा। नहीं, प्रेसिडेंट केवल उसे प्राइम मिनिस्टर बनाएगा जो यहां से लोकसभा से मेजोरिटी में आया है। देखो 552, फिर 70, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, और इनका भी जो हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर। आई होप कि आपको एक एक चीज क्लियर हो रही है। प्रेसिडेंट मेजोरिटी में जो आया है उसके हेड को प्राइम मिनिस्टर बनाता है, प्रेसिडेंट की खुद की मर्जी नहीं चलती। हाँ, लेकिन जो एक जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है चिल्ड्रन, उसे ही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास सारी पावर्स है, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक इंग्लिश बाबा चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप चाहते हो टेलीग्राम पे, मतलब आपके फोन पे हमारे सारे अपडेट्स, सारे वीडियोस आते रहें, तो टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश बाबा 123, और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, englishbaba.eb। अब बच्चा कहता है सर राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, यार बड़ा थोड़ा सा सर डिफरेंस क्लियर कर दो। सबसे पहले तो यार मैंने ना अभी तुम्हें राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया था। मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो लोकसभा है हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लोग वोटिंग करके आते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब सेंटर के अंदर देखो, सेंट्रल, सेंटर समझ रहे हो ना, सेंटर के अंदर पूरे देश के अंदर, ठीक है, जो राज्यसभा है और लोकसभा है। लोकसभा में इलेक्शंस वो कौन कर रहा था, वोटिंग आम लोग कर रहे थे, इसलिए इसे लोअर हाउस है,
ठीक है, और ये अपर हाउस है। तो ये तो हो गई पूरे देश की बात, पूरे कंट्री की बात हो गई, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अगर स्टेट में बात करूं, जैसे मान के चलो बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो स्टेट के बेस में जो जो सेंटर में लोकसभा है वो ही स्टेट में विधानसभा है। दोबारा क्लियर कर रहा हूं, जो पूरे देश के अंदर लोकसभा है ना, पूरे देश की एक लोकसभा, ऐसी हर स्टेट की एक विधानसभा होगी। और लोकसभा के अंदर मेंबर्स कौन थे बोलो, याद करो, कैबिनेट मेंबर्स बताए थे मैंने आपको, कैबिनेट मेंबर्स। इसके अंदर कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं जिन्हें एमएलए बोला जाता है वो होते हैं। इनका लोकसभा का इनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। इधर क्योंकि ये स्टेट पे है तो इसका इनका हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर। अब लोकसभा को, लोकसभा में आप लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, ठीक है। ऐसे विधानसभा को मतलब बनाने के लिए उनके मेंबर्स को लो, हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। लोकसभा के मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करते हैं, ऐसे विधानसभा के मेंबर्स विधान परिषद के मेंबर्स का चुनाव करते हैं। आई होप इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों केसेस में, विधानसभा और विधान परिषद वाले केस में, हम लोग डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के केस में हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। लोकसभा का जो हेड है वो हो गया प्राइम मिनिस्टर, और विधानसभा का जो हेड हो गया वो हो गया उस स्टेट का सीएम, चीफ मिनिस्टर। अब चिल्ड्रन हम बात करेंगे क्या डिफरेंस है प्रेसिडेंट की पावर में और प्राइम मिनिस्टर की पावर में। सबसे पहले तो एक बात क्लियर समझ लो कि जब मैंने तुम्हें राज्यसभा और लोकसभा समझाया था, जब मैंने 250 मेंबर्स इसके और 55, तो मैंने ये बताया था कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उसमें डायरेक्टली हमारी वोटिंग होती है, तो यानी, और लोकसभा का जो हेड है वो है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब हम लोग वोट करके ला रहे हैं पीएम को। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए, भाई हमने वोट किया लोकसभा, लोकसभा ने वोट किया, ठीक है, राज्यसभा, और राज्यसभा से ऊपर फिर पीएम, तो यानी कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अगर मैं फंक्शनल पावर की बात करूं, आप लोग देखते होंगे टीवी में, अखबारों में, मैगजीन्स में, आपको ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर दिखाई देते होंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी जो प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। अगर एक नॉमिनल हेड देखा जाए, मतलब जो नाम की, जो नाम का जो हेड है वो कौन है, वो तो प्रेसिडेंट, लेकिन काम का हेड कौन है, जो काम संभाल रहा है वो है प्राइम मिनिस्टर। इसका काम क्या होता है, पीएम को इलेक्ट करना, 12 मेंबर्स को अभी बताया था राज्यसभा को, उन्हें इलेक्ट करना, टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो जजेस वगैरह होते हैं ना मेन, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर। अब आपको पता है जो इलेक्शन कमीशन होती है उसका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे प्रेसिडेंट का भी कोई लेना देना नहीं है। तो जो इलेक्शन कमिश्नर होगा उसको, ठीक है, कोई भी बिल पास होना उसमें सिग्नेचर अथॉरिटी किसके पास होती है, वो होती है प्रेसिडेंट के पास। किसी भी कंट्री में अगर इमरजेंसी रूल लगाना है तो वो कौन लगाएगा, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करूं तो जितनी भी फंक्शनल है, यानी कि अगर मैं बात करूं जितनी भी जो गवर्नमेंट है, आपको तीनों लेवल पे हर तरह से समझाई, उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन पावर में है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। देखो अभी हमने चिल्ड्रन लेजिस्लेटिव की बात पढ़ ली, एग्जीक्यूटिव में पढ़ ली कि एग्जीक्यूटिव का काम है उन चीजों को एग्जीक्यूट करवाना। अब हम पढ़ेंगे फाइनली जुडिशरी। जुडिशरी का काम है, क्या काम है, सेटल्स डिस्प्यूट, कि भैया लड़का लड़की को लेके भग गया, अब भैया चलो भैया मामला कोर्ट में चला गया, कोई भी बात हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, मर्डर हो गया, ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड्स, जस्टिस, जस्टिस न्याय करते हैं। अब अगर इसमें भी देखा जाए तो सबसे बड़ी जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। कोई भी बहुत बड़ा मुद्दा होगा, देश का मुद्दा होगा, उसके नीचे आती है हाई कोर्ट, है ना, जो स्टेट लेवल पे होती है हर स्टेट में, फिर अगर हर डिस्ट्रिक्ट में होती है डिस्ट्रिक्ट, और फिर छोटे मोटे मुद्दों के लिए लोअर कोर्ट। अब जो कोर्ट्स हैं इसके भी टाइप होते हैं, एक होती है सिविल कोर्ट और एक होती है क्रिमिनल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट क्या है, जो नॉर्मल राइट्स हैं, प्रॉपर्टीज का, भाई भाई के बीच में झगड़ा है छोटे मोटे, वो सिविल कोर्ट में। लेकिन क्रिमिनल नाम में ही पता चल रहा है, लूट है ना, मर्डर, चोरी, इस तरह की जो है वो है क्रिमिनल कोर्ट। चलिए अब आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया कीजिए, तो आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेम द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, अभी हमने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट लेते जाना।
हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. देखो यहाँ स्टेट का मतलब है कंट्री, कंट्री का जो नॉमिनल हेड कौन है वो तो है हमारा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब है, लेकिन गवर्नमेंट का हेड कौन बताया था मैंने आपको, प्राइम मिनिस्टर बताया था अभी आपको. अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री है, पार्लियामेंट क्या है और टू हाउसेस क्या है. इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया. याद करो पार्लियामेंट के अंदर ही तो लॉज पास हो रहे थे कि हाँ ये हुआ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. इसके जो टू हाउसेज हैं वो है लोकसभा और राज्यसभा. नेक्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट. अगर सिटीजन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में ही किसी बात को लेके कहा सुनी है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया, तो उस वो मामला कौन सी कोर्ट में जाएगा, वो सबसे बड़ी कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में. अब देखो जो लोग सुबह शुरू से देख रहे हैं, विच हाउस हैज मोर पावर रिगार्डिंग द मनी बिल, कौन से हाउस के पास सबसे ज्यादा पावर है, ये वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको. लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स, ठीक है, लोकसभा के पास ज्यादा पावर है. वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट. मतलब अगर एक बार लोकसभा से कोई चीज पास हो गई पैसों को लेके, तो राज्यसभा उसे मना नहीं कर सकती, और राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days, और राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा इसे 14 दिन के लिए डिले तो कर सकती है, या ये कह सकती है कि भाई इसमें कुछ सजेशन कर लो, लेकिन लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस. लेकिन जरूरी नहीं है कि लोकसभा उन चेंजेस को माने ही, क्योंकि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, ठीक है. क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, यार ये तो बता दिया, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितने टाइम का होता है. प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड टेन्योर, नहीं है, वैसे तो यूजली ये कहा जाता है कि 5 साल का है, लेकिन बट रिमेन्स इन पावर टिल ही एंजॉयज द मेजोरिटी. आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी पहले 5 साल रहे और फिर से दोबारा से 5 साल के लिए आ गए पावर में, क्योंकि मेजोरिटी से आ गए, तो अगर मेजोरिटी रहेगी तो वो दोबारा से आ सकते हैं. अब बात आती है कि भाई जुडिशरी क्या है. ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री आर कॉल्ड जुडिशरी, ठीक है भाई. मैंने बताया था आपको सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है ना, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली कोर्ट, सारी कोर्ट बताई थी, ये है जुडिशरी. What is the highest court of India? क्या है? Highest court है Supreme Court. Next question. Who appoints the Chief Justice of India and other judges? को कौन appoint करता है? President करता है. What is the composition of Indian judiciary? का composition क्या है? Supreme Court है, High Court है और District Court. अब तुम्हारे लिए last में question आ रहा मेरे भाई. The judges of Supreme Court are appointed by, जो judges हैं Supreme Court के, उन्हें कौन appoint करता है? President, Prime Minister, Chief Justice. इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. आई होप मेरा ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा. चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब मेरे भाई. मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.